Okay, so 26, can you find the price elasticity of demand for the curvilinear demand function of the firm? Guys, jab bhi aapko ye diya hua rahe, Q is equal to A P पे पावर माइनस बी, ठीक है? तो ये जो मेरा पॉइंट नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, पहला जो डायरेक्ट रूल है। दूसरा रूल क्या कर सकते हैं कि आप इसको दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो वो काफी लंबा हो जाता है। तो जब भी आपको इस टाइप के अगर आपको दिखे यू डिमांड फंक्शन, जो भी मेरा पावर है ना, पावर ये पावर ही जो है मेरा इलास्टिसिटी को बताता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि मेरा इलास्टिसिटी क्या है, तो ये मेरा माइनस बी होगा, ठीक है? जैसे कि अगर आपको दे रखी है कि क्यू इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी अगर आपको यहाँ पे दे रखी है, तो आपको पूछा जाए कि बताइए इसका इलास्टिसिटी क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे जो पावर है ना, ये पावर ही मेरी इलास्टिसिटी होती है, ठीक है? तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ओके? सो क्वेश्चन नंबर 20, ओके गाइस, ये देखना कि अ पर्सन टोटल स्पेंडिंग ऑन ग्रैप्स राइजेस व्हेन द प्राइस फॉल फ्रॉम 2 पर केजी टू 1 पर केजी, व्हाट कैन वी से अबाउट द पर्सन डिमांड फॉर द ग्रैप्स, ठीक है? अभी जो स्टूडेंट बोल रहे थे, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो आप इस आंसर का इजीली जवाब दे सकते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे दे रखिए कि द पर्सन टोटल स्पेंडिंग ऑन ग्रैप्स, टोटल स्पेंडिंग क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, टोटल स्पेंडिंग मेरा राइज हो रहा है व्हेन द प्राइस फॉल फ्रॉम 2 to 1, ठीक है? भले मेरा प्राइसेस फॉल हो रही है लेकिन मेरी एक्सपेंडिचर बढ़ रही है, व्हाट कैन वी से अबाउट द पर्सन डिमांड फॉर द ग्रैप्स, ठीक है? तो इसका जो है अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड कर्व इज ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 होगा, या फिर डिमांड इज इन यूनिट इलास्टिक होगा, या फिर डिमांड इज इन इलास्टिक होगा, ठीक है? तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे डिटेल में इसको समझाया है। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करना और आप मुझे इसका आंसर जो भी ग्रुप है उसमें आप मुझे बताना, बहुत ईजी है। सर एक बार इसको सर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है कि पर्सन टोटल स्पेंडिंग ऑन ग्रैप्स राइजेस, कि आपकी एक्सपेंडिंग बढ़ रही है, ठीक है? कब? जब उस कमोडिटी के प्राइसेस आपका घट रहा है, ठीक है? प्राइसेस घट रही है, ओके, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रही है, ठीक है? एक्सपेंडिचर बढ़ रही है, प्राइसेस घट रही है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये क्या होगा, ये मेरा इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा, या फिर मेरा यूनिट इलास्टिक होगा, जो मैंने बताया 1 पे सेम उसी पे ही बेस्ड है, ठीक है? तो आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, फिर आप मुझे जो भी ग्रुप है मेरा लाओ पेड़ वाले उस पर आप बताना, ठीक है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं सीयूटी में, ठीक है? एक तो क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो मैंने आपको जो बताया था ये वाला फॉर्मूलाज, दिस डायरेक्शनल, तो आप इसे डायरेक्ट बता सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम, ठीक है? ओके, 2017 क्वेश्चन नंबर 29, ओके, क्वेश्चन नंबर 29, ओके, सो आपको बताना क्या है कि अमित इनहेरिट 10,000 फ्रॉम ए रिच अंकल, इट इज एन ऑब्जर्व दैट इवन द देयर हैव बीन नो चेंज इन प्राइसेस, ही कंटिन्यू टू ईट द सेम नंबर ऑफ द गुलाब जामुन पर डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, क्या इसका नेसेसरली ट्रू होगा, ठीक है? बताना आपको। सपोज कि ये अमित है, अमित के पास कितना इनकम आ गया, 10K इनकम आ गया। इट इज ऑब्जर्व दैट इवन द देयर हैव बीन नो चेंज इन द प्राइस, प्राइस कॉन्स्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रही है,
he continued to hit the same number of the gulab jamun per day, same number jo hai gulab jamun eat karta hai, khata hai, theek hai. He continued to hit the same number of the gulab jamun per day. Which of the following is necessarily true? ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया, थोड़ी सी एंजल कर्ब के बारे में और होमोथेटिक और यहाँ पे गिफेनबर्ड और या गिफेनबर्ड के बारे में बोला गया. ठीक है गाइस, दिस इज एक्स, दिस इज इनकम एम. ओके, इनकम मेरी बढ़ रही है. सपोज कि मैं यहाँ पे था 10,000 में, ठीक है, और मैं रिच अंकल से मैं पैसा ले रहा हूँ, जो मेरे रिच अंकल है मैं उससे पैसा ले रहा हूँ, बट मैं एक्स मेरा फिक्स्ड है, एक्स मेरा फिक्स्ड है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटिन्यू द सेम नंबर ऑफ द बास्केट, सेम नंबर ऑफ द गुलाब जामुन, फिक्स है ये, मेरा फिक्स है. भले मेरा एम बढ़ रहा हो बट मैं सेम इसी पॉइंट पे टिका हुआ हूँ, सेम इसी पॉइंट पे, ठीक है, सेम इसी पॉइंट पर मैं टिका हुआ हूँ. तो ये मेरा क्या है, रिलेशंस बिटवीन इनकम एंड द क्वांटिटी गुड, दैट इज द एंजल कर्व, दैट इज द एंजल कर्व. ठीक है, तो अमित एंजल कर्व फॉर द गुलाब जामुन इज वर्टिकल, तो ये वर्टिकल होगा. एंजल कर्व वही तो होता है ना कि रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द कमोडिटी ऑफ द एक्स. ठीक है, तो मैंने जब इसका ग्राफ बनाया तो मुझे एक्स फिक्स्ड था और मैं रिच अंकल से पैसा ले रहा हूँ, सपोज मैं 10K पे था कहीं, फिर मैं 20K पे गया, फिर मैं सेम क्वांटिटी पे लूँगा, सेम लूँगा. तो ये मेरा जो लाइन है, ये मेरा लाइन क्या बनेगा, वर्टिकल. ठीक है, और यही मेरा एंजल कर्व है. सो दैट इज द बी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके ओके, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? I have a doubt in this question. Yes. Sure. Why is the myth preferences are not homothetic? What? Can you explain the option? Option C. Explain the option number C. Sure. Option C is not. Amit preferences are not homothetic. Because ki homothetic ka matlab kya hota hai? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि उसके पास 10,000 रुपया है, ठीक है, और उसके मेरा फिक्स्ड है, दैट इज एक्स इज फिक्स्ड. ठीक है, अगर मेरा होमोथेटिक होता तो दैट आई शिफ्ट टू द एक्स वन. अगर मुझे यहाँ से यूटिलिटी अगर मुझे ज़्यादा मिलती तो मैं शिफ्ट कर जाता. ठीक है, अगर मैं शिफ्ट कर जाता तो मेरा होता, जो कि मेरा नहीं होगा. सो सी तो मेरा नहीं होगा. So C is gone. So option got it? Is that na? Amit's preferences are not homothetic. So it's the correct option na? Amit's preferences are not homothetic. So question is asked, which one of the following statement is necessarily true? So it's also true that Amit's preferences are not homothetic. Here, what is reading? Amit preference. First of all, tell me, what do you mean by the homothetic preferences? What do you mean? As our income increases, our consumption is also, like demand is also increasing. Okay. Income increases, demand is also increasing. Okay. That is the meaning of homothetic. Are you sure? That is not the meaning of homothetic. Homothetic means, suppose ki some utility function is there, suppose like xy, that is cd, Cobb-Douglas functions. Okay, so suppose when we increasing by the lambda x and lambda y, okay, lambda x and lambda y, suppose the lambda x into lambda y, so the lambda square xy, okay, so the 2 is fair, so that is called the homogeneity of degree 2. Okay, that is homogeneity of degree 2. ठीक है, तो जो भी मेरा होमोजेनिटी फंक्शन होगा वो मेरा होमोथेटिक होगा. जो भी मेरा फंक्शन होमोजेनियस होगा ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 3, मतलब कि वो कम्प्लीटली फैक्टर आउट होना चाहिए उस पार्टिकुलर यूटिलिटी फंक्शन से,
उस पर्टिकुलर यूटिलिटी फंक्शन से, तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये मेरा होमोथेट, ये मेरा होमोजीनियस है, और जो मेरा होमोजीनियस है वो मेरा होमोथेटिक होता है। लेकिन आपको ये यहाँ पे दे रखा है कि अमित प्रेफरेंसेस आर नॉट होमोथेटिक, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में मुझे कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है कि वो क्या यूटिलिटी उसका है, और जब तक मुझे यूटिलिटी यहाँ पे मेंशंस किया हुआ नहीं रहेगा तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो होमोथेटिक है या होमोथेटिक नहीं है। डिड यू गॉट माय पॉइंट? Did you got my point? सर तो कॉब डगलस फंक्शन तो सर तो कॉब डगलस फंक्शन वो हमेशा होमोथेटिक फंक्शन होगा। हाँ ठीक है, तो जो भी मेरा होमोजेनियस होगा वो मेरा होमोथेटिक होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई यूटिलिटी फंक्शन मेंशंस नहीं किया हुआ है, और जब तक मुझे यूटिलिटी फंक्शंस मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, जब तक मुझे उसका डिमांड स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ रहेगा, तुम कैसे बता सकते हैं कि वो फंक्शन मेरा होमोथेटिक होगा या फिर मेरा नॉट होमोथेटिक होगा? तो इसीलिए मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होगा। उसी तरह से गिफ एंड गुड का तो कैंसिल, गिफ एंड गुड तो होगा ही नहीं, और बी जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझे एंजल कर्व, मुझे पता है कि एंजल कर्व जो है मेरा रिलेशनशिप बताते हैं किसका, इनकम का और द पार्टिकुलर कमोडिटी एक्स का, ठीक है, तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ऐसा ही 2021 क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, आपको दे रखा है कि विराट एंड मिथाली ईट राइस एंड ड्रिंक मिल्क इन एग्जैक्टली द सेम क्वांटिटीज, ठीक है, सपोज कि दिस इज विराट और दिस इज मिथाली, ओके, द प्राइस ऑफ अ राइस फॉल, सपोज कि द प्राइस ऑफ अ राइस, राइस की प्राइस फॉल होगी, ठीक है, इन रिस्पॉन्स विराट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ मिल्क बट इन डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ राइस ही कंज्यूम, ओके, सो राइस की जो मेरा कंजम्पशन है, ठीक है, विराट विराट क्या कर देता है, इसके कंजम्पशन को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, राइस के कंजम्पशन को, राइस के कंजम्पशन को डिक्रीज कर देता है, ओके, ठीक है, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द राइस ही कंज्यूम, मिथाली ऑन द अदर हैंड इंक्रीजेस बोथ द राइस एंड मिल्क कंजम्पशन, ठीक है, तो ये दोनों, मिथाली क्या करती है कि दोनों के कंजम्पशन को बढ़ा देती है, राइस के भी और ड्रिंक मिल्क के भी, बोथ द विराट एंड मिथाली स्पेंड ऑल देयर इनकम ऑन ईटिंग राइस और ड्रिंकिंग मिल्क, ऑल स्पेंड, सारा का सारा पैसा खत्म करती है या फिर करता है दोनों इस पार्टिकुलर गुड्स पे, राइस पे और ड्रिंकिंग मिल्क पे, ओके ओके, फॉर द विराट बिहेवियर टू बी कंसिस्टेंट, अगर विराट के बिहेवियर को अगर मुझे कंसिस्टेंट बतानी है विद ए स्टैंडर्ड well behave in difference curve, his preferences over rice consumption imply that for him the rice must be, to rice kaun se good jo hai hona chahiye mujhe batana hai, okay okay guys, agar kisi bhi goods ke agar prices fall hoti hai agar uske consumption bhi agar fall ho gaya, theek hai, to aise good ko hum log kya bolte hain, given good, as we all know, given goods, ठीक है, इसको हम लोग given good बोलते हैं, कि जैसे prices घटा तो हम अगर उसके consumption को भी अगर हम लोग ले लेंगे तो उसको हम लोग given good बोलते हैं, ठीक है, this is the basic, okay, और एक concept आपको ये भी पता होना चाहिए कि all inferior goods, that is very important, ये question, इस concept पे DSC ने दो बार सवाल पूछा है, All inferior goods are given good, ठीक है, ये कहाँ से आती है, ये आपको आती है सलस्की से, सलस्की और हिक्सियन जो है इसका आपको डेरिवेशन बताती है कि all inferior, सर इसका उल्टा, सर इसका कन्वर्स ट्रू है, ये तो ट्रू नहीं है ना, all given goods are inferior goods but all inferior goods are not given goods, no, thus just this is the diagram, suppose you are consuming here, okay, you are consuming here,
suppose the prices is fall, so you are consuming less, okay, so this much area, okay, when that is for the given good, this is for the given good, and this much area is for the this much area, this much area, suppose this is the area, okay, this is the area, okay, so this particular area, so what you have noticed here कि this area जो है ये area पूरा इसमें coincide हो गया, ठीक है, coincide हो गया ना पूरे this part, ये वाला पूरा part जो है मेरा यहाँ पे coincide हो गया, ठीक है, और ये जो मेरा part है that is inferior, okay, that is inferior. तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लाइड ऐड कर लीजिए सर, एक न्यू स्लाइड ऐड करके उसमें बना दीजिए सर. ओके ओके, कोई ऐड हो गया ना क्यों, वन सेकंड में देख लेता हूँ. ओके, देखिए ISI 2018 का क्वेश्चन नंबर ये था कि दो कंज्यूमर था विराट और मिथाली, ओके, और राइस जो है ईट राइस एंड ड्रिंक मिल्क इन एग्जैक्टली द सेम क्वांटिटीज, ओके, द प्राइस ऑफ राइस फॉल, राइस के प्राइस जो है पी आर फॉल हो गई, और जैसे ही फॉल हो गई तो विराट ने क्या किया कि अपनी जो कंजम्पशन है राइस का इन्होंने घटा लिया, ठीक है, और जैसे ही प्राइस घटा राइस के कंजम्पशन भी मेरा घट गया, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट इज गिवन गुड, ओके, दैट इज गिवन गुड. तो अगर मैं सिर्फ इस पार्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के साथ जाऊं तो मुझे इसका आंसर मिलेगा सिर्फ बी, ठीक है, और ISI 2021 में भी जो इसका आंसर सीट में बी था, बट बाद में जो है उन्होंने ए एंड बी उन्होंने दोनों को जो है उन्होंने बोला गया कि ये भी मेरा सही है, क्योंकि उन्होंने रीज़न ये देते हैं कि ऑल द गिफ्ट एंड गुड्स Yes, sir. Okay. So all the given goods are inferior goods. Okay. All the given goods are inferior goods. हाँ. तो जब ये मेरा given अगर हो गया तो inferior भी तो होगा. तो option A और B जो है दोनों सही था. लेकिन answer sheet में सिर्फ B दिया हुआ था. फिर बाद में जो है उन्होंने correct करके A भी जो है दिया था. ठीक है. तो और इसका explanation आपको सलस्की से आता है. चाहे आप सलस्की से ले सकते हैं प्लस या फिर हेक्सियन से, ठीक है, दोनों को आपको जो मैंने बताया था ये डायग्राम से, ठीक है, एक बार उसको यहाँ पे लेके जाना ज़्यादा करके, फिर एक बार जब वो कम खड़ी देगा तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो ये एरिया मेरा सारा इस एरिया में सब मर्ज हो गया ना, मर्ज हो गया इसमें, तो इसीलिए इसका ये एक्सप्लेनेशन रहता है. ओके, सो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा. आपको वही बताना है कि इसकी प्रेफरेंस क्या है विराट के, तो गिवन गुड और इंफीरियर गुड्स के केस में होगा. ओके ओके, या डीएससी 2011 क्वेश्चन नंबर 43. ओके, अ कंज्यूमर स्पेंड 100 on only two goods A and B, assume non-satiation, ठीक है, non-satiation, guys यहाँ पे अगर satiation दिया हुआ रहता तो एक particular point तक होता कि अगर इस particular point के बाद अगर हम जाएंगे तो मेरी utility घटने लगती है, लेकिन मेरा non-satiation में कि हम जितना चाहे उतना हम consume कर सकते हैं, मेरी utility बढ़ेगी, मतलब मेरी monotonicity जो है मेरा valid है, ठीक है, okay, non-satiation यहाँ पे दे रखी है. More of any good is preferred to less, yeah. मोर मतलब मैं जितना ज़्यादा मुझे बंडल्स मिलेंगे मुझे उससे ज़्यादा यूटिलिटी मुझे मिलेगा,
मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सपोज द प्राइस इज ऑफ बी इज फिक्स्ड एट 20, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्राइसेस ऑफ बी, बी का जो प्राइसेस है, बी के प्राइसेस कितना फिक्स किया गया है, दैट इज 20, ओके, 20. व्हेन द प्राइस ऑफ ए इज 10, सपोज कि जब प्राइसेस ऑफ ए अगर 10 होती है तो कंज्यूमर 3 यूनिट बाय करती है, 3 यूनिट ऑफ बी, ठीक है, तो बी कितना खरीदती है, 3 यूनिट, ओके, 3 यूनिट खरीदती है. सो व्हेन द, पहला कंडीशन, ओके, तो मैं सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, इक्वेशन पहले मैं इसका लिख लेता हूँ. कंज्यूमर के पास कितना इनकम है, 100, ए वाला फॉर्मूला, एम इक्वल टू पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू, इनकम, तो इनकम कितना है, 100, ओके, इक्वल टू प्राइसेस, P1 मेरा दो गुड है, ठीक है, x का मतलब a और x2 का मतलब b, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x1 लिख दिया, तो x1 को समझना a, क्योंकि मेरा यहाँ पे पॉइंट a है और यहाँ पे b है, तो x2 मेरा b हो गया, ओके. सो P1 कितना है, 10. मैं सबसे पहले इस कंडीशन को सॉल्व करता हूँ, तो 10 इंटू x1 कितना है, मेरा गुड क्या है, a, सो 10a प्लस p2 क्या है मेरा, p2 इज व्हाट, p2 इज सपोज दिस इज 3, मुझे यहाँ पे दे रखा है कि मैं 3 यूनिट खरीदता हूँ, दैट इज x2 3, और p2 मुझे नहीं दिया हुआ है, p2 दैट इज प्राइस ऑफ दिस b, ठीक है, और प्राइसेस ऑफ b मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे फिक्स्ड है, कि फिक्स्ड है 20, तो मैं यहाँ पे 20 बैठा दूंगा. सो 100 इज इक्वल टू 10a प्लस 20 इंटू 3, ओके, सो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 100 माइनस a उधर चले गया 60 इज इक्वल टू 10a, सो a इज इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज कितना हो गया, 4, ओके, a इज इक्वल टू 4 हो गया. तो जब ये मेरा कंडीशन होगा, क्या कि प्राइस जब मेरा 20 पे फिक्स्ड होती है, ए के प्राइसेस 10 होती है और बी 3 यूनिट खरीदती है, तो इस वक्त जो है मेरा ए, कि हम कितना यूनिट ए लेंगे, 4 यूनिट लेंगे अकॉर्डिंग टू अप टू दिस पॉइंट, ओके, ओके. अब मैं दूसरे पॉइंट, दूसरे लाइन पे मूव करता हूँ. व्हेन द प्राइस ऑफ ए इज 20, अब ए का प्राइस 20 हो गया, सेम, ये मेरा पहला कंडीशन, दैट इज केस 1. अब मैं केस 2 में जाता हूँ, सेम कि मेरा प्राइसेस भी तो मेरा फिक्स्ड है 20 पे ही, अब मेरा ए का प्राइसेस भर के कितना हो गया, ए का प्राइसेस मेरा भर के कितना हो गया, 20 और सी बाय 5 यूनिट ऑफ ए, और ए आपको दे भी रखी है कि ए मेरा 5 यूनिट है, ठीक है, ए मेरा 5 यूनिट है, तो अब मैं निकालता हूँ कि बी मैं कितना खरीदूंगा इस कंडीशंस पे, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी सी ओके, इनकम कितना था, 100 इक्वल टू P1 प्राइसेस ऑफ ए दैट इज 20 इनटू x1 मतलब ए कितना है, 5 प्लस P2 का कितना, वो तो फिक्स है 20 पे, 20 ये तो फिक्स्ड है, इनटू xb, सपोज दिस इज b, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 100 और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, 25 से 100, तो ये 100 इज इक्वल टू 20b, तो गाइस b इज इक्वल टू क्या निकला, 0, ठीक है, तो हम इस केस में बोलेंगे कि b इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन को देखते हुए, a इज इक्वल टू 4 इस कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, ओके. अब मैं आंसर की तरफ मूव करता हूँ, कि फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट फॉर द रेलिवेंट प्राइसेस रेंज. अब मुझे बताना है कि ए मेरा इंफीरियर गुड है, बी मेरा जो है कॉम्प्लीमेंट गुड है, या फिर सी जो है मेरा गिफेन गुड है, आपको ये बताना है. तो गाइस मैं सबसे पहले चलता हूँ कि अगर प्राइसेस ऑफ ए की तरफ देखना, ये मेरा सिचुएशन 1 था, ये सिचुएशन 2 था. प्राइसेस ऑफ ए, मैं दूसरे
कलर ले लेता हूँ, ठीक है. ओके, सो प्राइसेस ऑफ ए मेरा 10 है. अब दूसरी कंडीशन में क्या हो, क्या हुआ गाइस कि प्राइसेस ऑफ ए मेरा क्या हो गया, बढ़ गया. ओके, सो प्राइसेस बढ़ गया. ओके, अब मैं डिमांड देखता हूँ ए का. ए का मेरा डिमांड यहाँ 4 था, अब मेरा इस कंडीशन में 5 हो गया. गाइस डिमांड भी बढ़ गया, प्राइस भी बढ़ा, डिमांड भी बढ़ा, ये मेरा कौन सा गेस, कौन सा गुड होगा बताइए. प्राइसेस गाइस तो बहुत ही इजी है, प्राइसेस भी बढ़ा, कौन सा गुड, गिफन गुड. या ठीक है, गिफन गुड, ठीक है. प्राइसेस भी बढ़ा, डिमांड भी बढ़िया. ओके, फर्स्ट तो मेरा ए जो है मेरा गिफन गुड है, तो मेरा सी जो मेरा सही आंसर है. अब मैं चलता हूँ ए की तरफ. गाइस जो गिफन है वो मेरा इंफीरियर होगा कि नहीं, जो मेरा गिफन गुड है क्या वो मेरा इंफीरियर गुड होगा या नहीं. गाइस ऑल गिफन गुड आर इंफीरियर और ऑल इंफीरियर आर गिफन, यू आर ऑल्सो कंफ्यूजिंग मी, आई जस्ट राइट यू, डोंट बी कंफ्यूज. ओके गाइस, ओके, देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए, इसके डिफिनेशंस पे जाओ कि इसका डिफिनेशंस क्या है. इंफीरियर गुड आपका इनकम से बताती है कि अगर इनकम आपका बढ़ा तो उस पार्टिकुलर गुड के कंजम्पशन को आप घटा दोगे. जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज कि आप कोई जॉब करते थे, लाइक आपको एक कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, आपकी सैलरी सपोज 10,000 पर मंथ है और आप अपने घर से जो है ऑटो में जाते थे ऑफिस, ठीक है, ऑटो में, ठीक है. तो ऑटो की आप उस टाइम आपकी डिमांड थी, लेकिन आपकी जैसे ही इनकम बढ़ के सपोज कि 2 लाख पर मंथ हो गया, तो आप ऑटो से जाओगे, नहीं आप ओला से जाओगे, उबेर से जाओगे, ठीक है, तो आप इससे जाओगे ना, तो इसकी डिमांड तो घट गई ना. क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने से, और इनकम बढ़ने से जब मेरी डिमांड घटती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर गुड, ठीक है. तो इन्फीरियर कहाँ से रिलेट होता है, इनकम से. ओके, अब मैं गिफन गुड की बात करता हूँ. गिफन गुड क्या होता है, प्राइस. सपोज कि गाइस कि सपोज कि मैं हूँ, मैं काफ़ी रिच हूँ, ठीक है. तो मैं अगर चाहूँगा कि अगर सपोज कि मुझे शौक है कि यार मैं ऑडी लूँ, मर्सिडीज लूँ, ठीक है, तो मैं एक्चुअली उस गाड़ी को लेता हूँ इसलिए ताकि मैं अपने सोसाइटी में एक स्टेटस को दिखाऊँ. तो अगर उसके प्राइसेस अगर फॉल हो जाएगी तो मैं, मेरा डिमांड भी तो घट जाएगा ना, कि यार क्यों. जैसे गोल्ड है, अगर गोल्ड का अगर प्राइसेस अगर घट जाएगा तो उसकी डिमांड भी घट जाएगा, क्योंकि जो लेते था, या फिर अगर प्राइसेस अगर बढ़ेंगे जो रिच है वो और गोल्ड उस गोल्ड को डिमांड करेंगे. क्यों? क्योंकि वो स्टेटस को दिखाएंगे, ठीक है. तो गिफन गुड गाइस वो प्राइस से रिलेट होता है, ठीक है, पहली बात, ठीक है. तो ये दोनों के आपको डिफिनेशंस को क्लियर होनी चाहिए कि इन्फीरियर कहाँ होता है और गिफन कहाँ पे होता है, ठीक है. तो सी तो सही है, ए भी सही होगा, क्योंकि ऑल गिफन गुड आर इन्फीरियर गुड, सो ए एंड सी आर राइट. अब मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ, ठीक है. तो ए और सी तो मेरा सही हो गया. अब मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ कि ये मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है. गाइज कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होता है कि अगर प्राइसेस ऑफ, सपोज कि अगर दो गुड है, गुड ए और गुड बी, तो अगर एक गुड के प्राइसेस बढ़ने के कारण दूसरे के डिमांड अगर घट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड. ओके ओके या गाइस देखो कॉम्प्लीमेंट गुड का फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज कि डिमांड फॉर बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए, प्राइसेस ऑफ ए, ये लेस देन जीरो होता है. मतलब कि अगर प्राइसेस ऑफ ए अगर बढ़ी ना तो मेरा डिमांड जो है बी का, मेरा डिमांड बी का घट गया. ये इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स, ठीक है. अगर प्राइसेस ऑफ ए अगर मेरा बढ़ा तो डिमांड फॉर द बी हैज टू बी फॉल. सो दैट मीन्स ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर्स, ठीक है. जो ये फॉर्मूला लगता है ना कि यू इज इक्वल टू मीन ऑफ एक्स वाई, जो बेसिक होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का. ओके ओके,
सो अब मुझे बताना है कि सपोज कि अगर मैं बात करूं कि प्राइसेस ऑफ ए, ए का प्राइसेस गाइस यहां पे 10 था, 10 से 20 हुआ, तो प्राइसेस ऑफ ए मेरा क्या हुआ, बड़ा, ठीक है, प्राइसेस ऑफ ए मेरा बड़ा, और डिमांड क्या हुआ बी का, बी मेरा पहले 3 यूनिट था, अब मेरा घट के कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, तो ये मेरा घट गया, तो ये मेरा इनवर्स रिलेशनशिप है ना, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट गुड है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ओके, गॉट इट, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और आई रिपीट इट अगेन. Can I repeat again? So move. Move, okay. Okay, तो बहुत easy था ये, ठीक है, easy तो नहीं, मतलब थोड़ी सी आपको conceptual लगाना है, तो मैंने एक statement को आपको दो भागों में देखना है, ठीक है, मैंने वही चीज किया है, guys, इसमें सब चीज दिया हुआ है, सब कुछ, आपको बस definitions आना चाहिए, inferior किसको कहते हैं, compliment किसको कहते हैं, Giffen किसको कहते हैं, और ये जो relations है कि all Giffen goods are inferior goods, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को मतलब आप अच्छे से टिक कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने वही चीज यहाँ पे किया, ठीक है, ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीयूटी 2023 क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, ओके 31, या गाइस, द प्राइस कंजम्पशन कर्व इज अ नेगेटिवली स्लोप फॉर अ गिवन गुड. This is right or wrong? Price consumption curve is a negatively slope for a given good. That is absolutely right. Okay. All given goods are inferior goods, but all inferior goods are not. Yeah. Actually, maybe इसमें काफी confused हो गया था, ठीक है? तो all given goods are inferior goods, but all inferior are not good, ठीक है? तो इसका जो प्रूफ आपको सलस्की से आता है, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है? तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही है. So both statement 1 and 2 are true, ठीक है, all given, जितने भी मेरे given goods है वो सारे inferior goods होता है, और price consumption curve जो है ना negatively होता है हमारा given good का, ठीक है, so ये is a correct option. Question number 61, okay, 61, when the demand curve shift, when the demand curve shift, if the supply curve is steeper, supply curve is steeper, the price change is larger and the change in the amount, change in the amount bought and sold is smaller as compared to the flatter. Guys, ek cheez aapko pata hona chahiye, flatter and steeper. Suppose ki ye mera do good hai, x aur y, okay, aur ye mera budget line hai, this is my बजट लाइन, ओके, ये मेरा इनिशियल बजट लाइन है. सपोज कि मेरा प्राइसेस ऑफ एक्स बढ़ गया, तो जैसे प्राइसेस बढ़ती है ना, तो ये मेरा स्टीप हो जाता है, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गया तो मतलब अब हम कम एक्स को खरीदेंगे, अब हम यहाँ पे आ गए, मतलब मैं यहाँ पे एक्स जीरो पे था, अब मैं एक्स वन पे आ गया, ठीक है, कब, जब मेरा प्राइसेस बढ़ा, और जब मेरा प्राइसेस बढ़ेगा तो मेरा कर्व क्या होगा, स्टीपर होगा, भाई जस्ट उसका उल्टा, अगर मेरा प्राइसेस ऑफ एक्स अगर मेरा घट गया तो मैं ज़्यादा जो है उस पर्टिकुलर गुड्स को मैं कंज्यूम करूँगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो उस टाइम में मेरा फ्लैटर हो जाएगा, तो मैं अब इस पॉइंट पे मैं कंज्यूम करूँगा एक्स टू, सपोज दिस पॉइंट इज एक्स टू, ओके ओके, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे बताना है कि अगर इफ द सप्लाई कर्व इज स्टीपर देन द प्राइस चेंज इज लार्जर, स्टीपर है मतलब कि प्राइस जो है दिस कर्व इज स्टीपर, द सप्लाई कर्व इज स्टीपर, इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस चेंज मेरा काफ़ी लार्ज हो गया, प्राइस चेंज काफ़ी लार्ज हो गया, और जब प्राइस मेरा बढ़ जाएगा तो मेरा बाउट एंड सोल्ड क्या होगा, कम होगा ना, बेसिक फंडामेंटल गाइस, लॉ ऑफ डिमांड, ओके, एज कंपेयर टू द फ्लैटर कर्व, सो यस स्टेटमेंट वन इज राइट, ठीक है, ओके, उसी तरह से आपको ये बताना है कि
सप्लाई कर शिफ्ट में कि अगर इफ द डिमांड कर्व इज स्टीपर देन द प्राइस चेंज इज लार्जर, इफ द डिमांड कर्व इज स्टीपर देन द प्राइस चेंज इज लार्जर एंड द चेंज इन द बाउट एंड सोल्ड इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द फ्लैट. सेम चीज गाइज, बस आपको वहाँ पे डिमांड कर रहा हूँ, आपको सप्लाई कर मैं आपको देनी है. लॉजिक वही चीज है कि अगर मेरा स्टीपर होगा, स्टीपर कब होता है, प्राइस बढ़ने से, और जब अगर प्राइसेस बढ़ जाएगा तो लॉ ऑफ डिमांड मुझे क्या बताती है कि आपकी जो बाउट एंड सोल्ड है, मतलब अब उस पार्टिकुलर गुड्स को कम खरीदेंगे. तो वही चीज है कि बाउट एंड सोल्ड अब कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू द फ्लैटर के केस में. ठीक है, तो एक बार आपको डिमांड है, एक बार आपको सप्लाई है, तो मेरा बोथ स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. ओके ओके, कैन आई मूव? ओके ओके गाइज, तो वन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि बेसिक फंडामेंटल रूल मेरा लॉ ऑफ डिमांड का. ओके, सीयूटी 2022 क्वेश्चन नंबर 28. ओके या सेम गाइज, सेम चीज है. इफ द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, ठीक है, डिमांड कब जो है उसे इन इलास्टिक दे रखी है. इन इलास्टिक का क्या मतलब होता है गाइस, कि एक्स पी इज लेस देन वन, दिस इज द मीनिंग. ओके, तो आपको बताना है कि क्या इस चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही है. ओके ओके, सो इन इलास्टिक गाइस कब होगा कि एज द प्राइस डिक्रीजिंग द रेवेन्यू अर्नड बाय द प्रोड्यूसर डिक्रीजेस. मतलब इसको समझते हैं, सपोज कि अगर मेरा मेरा डिमांड का इन इलास्टिक है. ओके, सपोज कि अगर प्राइसेस अगर घट गए, प्राइसेस घट के अगर 5% पे आ गया, ठीक है, प्राइसेस मेरी घटी. जैसे अगर मैं बात करूं इलास्टिसिटी का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, और ये आपको लेस देन वन है, इन इलास्टिक लेस देन वन आपको दे रखी है. तो ये लेस देन वन कब आएगी, जब मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, पहली बात. ओके, सपोज कि मेरा प्राइसेस, सपोज कि मेरा 5% से फ्लैक्चुएट हुआ, ठीक है, घटा, ठीक है, 5% से मेरा घटा, तो मेरा डिमांड जो है ना बढ़ा कितना से, ओनली 2% से ही, तभी ये लेस देन वन आएगी, तभी ये लेस देन वन आएगी. तो प्राइसेस मेरा घटा, प्राइसेस घटने से मेरी एक्सपेंडिचर भी घट गई, ठीक है, और मेरा जब एक्सपेंडिचर भी घट गया ना, एक्सपेंडिचर घट गया तो मेरा जो प्रोड्यूसर्स है उसकी रेवेन्यू भी तो घट गई, ठीक है. तो प्राइसेस घटा, एक्सपेंडिचर घटा और रेवेन्यू भी जो है प्रोड्यूसर की घट गई. क्यों? क्योंकि मेरी इनइलास्टिक थी. और इनइलास्टिक कब आती है गाइस, दैट इज अ फॉर्मूला ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो डिवाइडेड बाय 5. तो ये नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, ठीक है. तो अगर मेरा जो है घटी कितना से, 5 से, ठीक है, सपोज कि कोई कुरकुरे का पैकेट, सपोज कि 10 रुपीज थी, वो घट के 5 आ गई, ठीक है, लेकिन मेरा जो डिमांड था ओनली 2% से ही मेरा फ्लैक्चुएट हुआ, ठीक है. सपोज कि यहाँ पे मैं 2 पे था, तो यहाँ पे मेरा टोटल 20 था, अब मैं यहाँ पे 2 आ गया, दैट इज 10, ओनली 10 ही अब मैं खर्च कर रहा हूँ, तो मेरी एक्सपेंडिचर फॉल हुई ना. अब मेरी एक्सपेंडिचर फॉल हुई का इसका मतलब क्या होगा कि जो जिससे मैं खरीद रहा हूँ प्रोड्यूसर का, उसकी रेवेन्यू कम हो गई ना, वो डिक्रीज हो गया प्राइस फॉल होने से. कब? इन इलास्टिक के केस में. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस. एनी डाउट? कैन आई मूव?
यस सर या सेम चीज मैंने वही चीज आपको लॉजिक से यहाँ पे बताया ताकि आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाए ठीक है तो मैंने बस सही चीज बोला आपको कि लेस देन वन कब आएगी जब मेरा नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है ये ज्यादा होगा और न्यूमिनेटर कम होगा ठीक है तो मेरा प्राइसेस अगर डिक्रीज होती है तो प्राइसेस मेरा डिक्रीज हो गया ना तो उसके रेवेन्यू भी तो कम हो गए ना और मेरा ये फिक्स्ड है क्योंकि मेरा इनएलास्टिक है सपोज मैं यहाँ पे 2 पे हूँ यहाँ पे मैं 2 पे हूँ तो प्राइसेस फॉल हो गया मैं यहाँ पे 20 रुपया खर्च करता था अब मुझे यहाँ पे 10 रुपया ही खर्च करना पड़ रहा है तो कंज्यूमर के एक्चुअल क्या हुआ एक्चुअल रेवेन्यू कम हो गया ना पहले उसको 20 रुपया मिलता था बट अब उसको 10 रुपया ही मिल रहा है तो इट मीन्स दैट कि द रेवेन्यू अर्न बाय द producer, those who are producing the goods, their income has been formed. Okay? Oof, kitna CUT ke questions hai. Okay. Guys, angel curve for a given good. This is very, very easy. Kya hoga iska? This, guys, this is income. This is na relationship between the angel curve. Income or X. To main aapko kya bataya? दिस इज द रिलेशन की जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है इनकम मेरा किससे रिलेट था इनफीरियर से और प्राइस मेरा किससे था गिफेन से लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऑल गिफेन आर इनफीरियर तो हम उसको इनफीरियर से भी बोल सकते हैं तो जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे मेरा क्वान्टिटी घटती चली जाती है तो ये मेरा कौन ये मेरा स्लोप क्या है नेगेटिवली है तो नेगेटिवली स्लोप्ड है ओके सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ओके ओके गाइस एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट इज यूटी 2022 क्वेश्चन नंबर 34 का है कि आपको बताना है कि एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट aggregate demand is negatively related to the price level because declining in the price level has a positive effect on the demand curve for the output guys aggregate demand matlab total demand ye negatively related hota hai prices se hum log sab jante hain ki bhai prices agar badhega to main us particular goods ke consumption ko main kam kar lunga kyunki main rational world pe rehta hu aur mujhe law of demand according to the law of demand mujhe yahi batati hai ठीक है नेगेटिवली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल बिकॉज क्योंकि डिक्लाइनिंग इन द प्राइस लेवल हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द डिमांड क्योंकि जैसे ही हमारा प्राइस लेवल कम होती है तो मेरा डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगता है पॉजिटिव इफेक्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है और उस पर्टिकुलर गुड को जो है हम लोग डिमांड कर रहे हैं सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन ओके ओके बेसिक गाइज बेसिक क्वेश्चन ठीक है ओके आईआईटी कानपुर 2023 क्वेश्चन नंबर 27 ओके क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन है ये आपको बतानी है कि क्या ऑप्शन सही है इसका कंज्यूमर हु कंज्यूम ओनली टू गुड्स ए और बी ओके बोथ ऑफ विच आर नॉर्मल गुड्स आपको दे रखी है कि दोनों नॉर्मल गुड्स है नॉर्मल गुड्स गाइस क्या होता है सबको पता हो होना चाहिए नॉर्मल गुड्स दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन ठीक है बताइए कोई एक नॉर्मल गुड्स व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल गुड्स एनीवन नो वन व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड डिक्रीजेस या नॉर्मल गुड्स ओके मींस द लॉ ऑफ डिमांड इज वैलिड हियर नॉर्मल गुड के केस में और बाद बाकी जो गिफेन गुड इन्फीरियर गुड है वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं वैलिड होता वो एक्सेप्शन केस में मेरा आता है ठीक है ओके सपोज दैट द प्राइस ऑफ गुड ए डिक्रीजेज प्राइसेस ऑफ गुड ए जो है मेरा घट गया व्हाइल द प्राइस ऑफ द गुड बी स्टे सेम मतलब कॉन्स्टेंट रहती है ओके तो आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन मेरा सही है ओके गाइज एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मैंने जैसे आपको बताया था कि सपोज दिस इज माय इनिशियल लाइन सपोज दिस इज मेरा प्राइस घट के मेरा यहाँ आ गया तो मैं पहले इस पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा था अब मैं इस पॉइंट पे आ गया प्राइस घटने से ये जो मैं लाइन को मिलाता हूँ दैट इज़ द प्राइस ऑफ अ कर्व और इसी प्राइस ऑफ अ कर्व को जो है सलस्की ने दो भागों में बांटा था
एक इन्होंने बांटा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे, दूसरा इन्होंने बांटा था इनकम इफेक्ट पे, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इन्होंने कहा क्या कहा था कि सारे गुड के लिए मेरा नेगेटिव रिलेशन होता है, चाहे वो मेरा इन्फीरियर हो, चाहे वो मेरा गिफन हो, चाहे वो मेरा नॉर्मल हो, कुछ भी गुड रहे, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल द गुड्स, ठीक है। और इनकम इफेक्ट का अलग अलग केसेस में था, ठीक है, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर प्राइसेस मेरा घटेगा तो डिमांड आपको बढ़ाओ, मतलब ये नेगेटिव रिलेशन है ना, ही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नेगेटिव रिलेशनशिप, कि अगर प्राइसेस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, ये जो नेगेटिव साइन है ना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ओके। और नॉर्मल और इनकम इफेक्ट हमें क्या बताती है नॉर्मल गुड के केस में, कि नहीं प्राइसेस फॉल हो गया, प्राइसेस फॉल हो गया कि इसका क्या मतलब कि तुम्हारा परचेसिंग पावर बढ़ गया है, तुम्हारे पास इनकम ज़्यादा हो गया है, अब तुम्हारा जब इनकम ज़्यादा हो गया तो तुम अब उस पर्टिकुलर गुड के कंजम्पशन को बढ़ा दो, दैट इज इनकम इफेक्ट, ये बताती है नॉर्मल गुड के केस में, ठीक है। तो देखो ऑप्शन क्या है कि बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेड टू इंक्रीजिंग इन द कंजम्पशन ऑफ गुड, यस, क्योंकि मेरी प्राइसेस फॉल हुई, जैसे प्राइसेस फॉल हुई तो डिमांड तो मेरा बढ़ेगा ना, डिमांड तो मेरा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो बता दिया कि हाँ यार इंक्रीज होगा, ओके इंक्रीज होगा। तो इनकम इफेक्ट भी तो यही बताता है नॉर्मल गुड के केस में कि प्राइसेस फॉल हुआ, और प्राइसेस जब फॉल हुआ तो अब उस पर्टिकुलर गुड के कंजम्पशन को भी आप बढ़ा दो अकॉर्डिंग टू द इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट भी तो हमें ये बोल रहा है कि भाई तुम लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करो पर्टिकुलर गुड्स ए को, ठीक है। तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है आपको, ये थोड़ी सी लॉजिक आपको पता होनी चाहिए कि ये तीनों केस अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होती है, ओके। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट? यस सर। ओके, दैट इज गाइस वेरी इजी, बस आपको थोड़ी सी इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की थोड़ी सी आपको लॉजिक हमें पता होनी चाहिए। एक बात आप याद रख लीजिए गाइस कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल द गुड्स, फॉर ऑल द गुड्स, चाहे वो आपको नॉर्मल गुड्स रहे, चाहे आपको इन्फीरियर गुड्स रहे, चाहे आपको गिफन गुड रहे, ऑलवेज नेगेटिव। बस चेंज होता है इनकम इफेक्ट अलग अलग केस में, इन्फीरियर का अलग होता है और गिफन का अलग होता है, और मुझे क्या था नॉर्मल का था, तो नॉर्मल में बस यही बताता है कि जैसे आपकी प्राइसेस घट गई ना तो आपका क्या होगा कि परचेजिंग पावर बढ़ गया, और परचेजिंग पावर बढ़ गया तो आपको इनकम इफेक्ट आपको ये बोलेगा कि नहीं यार तुम ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करो जिसके प्राइसेस घटा है, इनकम इफेक्ट आपको हिंट देगा ही, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट के थ्रू से भी ए के कंजम्पशन बढ़ा, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के थ्रू भी ए के कंजम्पशन को बढ़ा, सो मेरा पर्टिकुलर ए इज अ करेक्ट, और ये भी आंसर भी है, ओके। सो 27th के ए इज करेक्ट ऑप्शन, ओके गाइस, दिस क्वेश्चन इज आईआईटी जेम 2022 क्वेश्चन नंबर 21, ओके। थोड़ी सी गाइस यहाँ पे आपको यू नो लाइक कि मैथमेटिकली थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में गाइस कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी लॉजिक है, बस लॉजिक पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सपोज कि एन एनालिस्ट एट द ग्रीन कार, ओके, कोऑपरेटिव लिमिटेड एस्टिमेट द फॉलोइंग डिमांड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके। सपोज कि कोई एक फाइनेंस एनालिस्ट या कोई बिजनेस एनालिस्ट है और वो एस्टिमेट करता है व्हीकल के डिमांड फंक्शन को, ठीक है, तो वो दे रखी है, दैट इज दिस, ओके ओके। क्यों ये आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी बिकी, प्राइसेस आपको दे रखी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइसेस पीई है, पीएफ मेरा जो है फॉसिल फ्यूल्स का जो है एवरेज यूनिट प्राइस, ठीक है, आपको सारे दे रखी है, पीबी आपको क्या दे रखी है कि यूनिट प्राइस ऑफ द बैटरी यूज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके, और आई आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम मीन्स दैट इज वाई माइनस टी, तुम्हारा जितना भी इनकम है जब तुम उसमें से कुछ टैक्स गवर्नमेंट को दे देते हो, जितना तुम्हारे पास इनकम बचा दैट इज डिस्पोजेबल इनकम वाई डी, तो आई मेरा डिस्पोजेबल इनकम है, ओके। सो लेट पीई इज इक्वल टू 6.5 लाख, आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, पीई की वैल्यू ये रखी है, पीएफ की वैल्यू ये रखी है, दिस आपकी सारी वैल्यू आपको दे रखी है, ओके, और आपकी डिस्पोजेबल इनकम 10 लाख है, ओके ओके।
गाइस अब आपको पूछा है कि द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? तो इनकम इलास्टिसिटी गाइस क्या होता है कि इनकम इलास्टिसिटी का मतलब हो गया कि मेरा इनकम बढ़ने से, ठीक है, मेरा क्वांटिटी डिमांड पे कितनी फर्क हुई, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स कि सपोज कि प्राइस ऑफ गुड एफ, मतलब फॉसिल फ्यूल्स के प्राइस बढ़ने से मेरी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कितनी असर आई, दैट इज कॉल्ड अ व्हाट, दैट इज कॉल्ड अ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. मतलब क्रॉस, नाम से ही इसका पता चला कि क्रॉस प्राइस, ठीक है, ओके. तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ. नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, नेक्स्ट पेज भी मैंने नहीं लिया, वन सेकेंड. One second, guys. Okay. So, 21 में आपको गाइस दे रखी है QE आपको कितना दे रखा है, 0.75 माइनस 1.5 PE प्लस 2.5 PF माइनस 0.5 PB प्लस 3.12 I, ठीक है, ये हमें दे रखी है. ओके, जैसे आपको मैंने बोला कि इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मैंने भी आपको बताया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द अदर गुड प्राइसेस. ओके, तो यहाँ पर मेरा फ्यूल के प्राइसेस को मेरा देखना है. ओके ओके गाइस, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डेल क्यू ई डिवाइडेड बाय डेल आई, आई के रिस्पेक्ट में. तो आई मेरा यहाँ पे नहीं है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो मेरा. तो यहाँ क्या बचा, 3.12. ओके ओके, उसी तरह से मैं डेल क्यू ई डिवाइडेड बाय डेल पी एफ, पी एफ के साथ मैं एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ. तो पी एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है, पर बाद बाकी तो इधर नहीं है, तो ये मेरा सारा कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है. So that is only 2.5. Okay, common differentiation, guys, simple. Okay, okay. अब मैं guys check करता हूँ income elasticity का. मैं check करता हूँ income elasticity का guys क्या formula होता है कि del Q by del I into I by क्यू ई, और मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का है तो मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, आई मेरा इनकम. ओके ओके ओके, सो मुझे ये वैल्यू से मुझे पता चल गया, दैट इज दिस. ओके दिस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.12 इंटू आई, आई इज इनकम. गाइस डिस्पोजेबल इनकम कितनी है आपकी, क्वेश्चन में दे रखी है ना, डिस्पोजेबल इनकम दिस, डिस्पोजेबल इनकम इज 10 लाख, गाइस दिस 10 लाख आपको दे रखी है, 10 लाख. ओके, सो दैट इज 10 डिवाइडेड बाय क्यू ई. अब गाइस मुझे क्यू ई नहीं पता, तो मैं अब क्यू ई को निकालूंगा कि क्यू ई एक्चुअली में कितना है. ओके,
सो क्यू ई, बस आपको हर एक वैल्यूज गाइज, आपको पी ई की वैल्यूज दे रखी है, पी एफ की वैल्यूज आपको दे रखी है, पी बी की वैल्यूज आपको दे रखी है गाइज, जस्ट आपको यहाँ पुट करना है ये वैल्यूज को, जस्ट पुट करना है, और पुट करने के बाद जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 34 के अराउंड आएगा, ओके 34 के अराउंड आपको आएगा क्यू ई, ठीक है, ओके सो क्या मैं यहाँ पे 34 लिख सकता हूँ, 34 लिख दिया, ओके तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका वैल्यू 0.9411 आएगी, ओके तो मुझे इनकम इलास्टिसिटी मालूम चल गई 0. अब मुझे दूसरा क्या बताना है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बतानी है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है गाइज, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ अदर गुड, तो यहाँ पे अदर गुड मेरा क्या फ्यूल है ना, प्राइसेस ऑफ फ्यूल इनटू पीएफ डिवाइडेड बाय क्यू ई, गाइज दिस वैल्यू मुझे पता है ये क्या है, दिस 2.5, सो 2.5 इंटू पी एफ, पी एफ कितनी है, पी एफ 4.5, पी एफ कितनी है पे? और प्राइस ऑफ द दिस ना, तो पी एफ की कितनी वैल्यूज है, 4.5, या सो जस्ट यहाँ पे आप पुट करो यहाँ पे 4.5, और क्यू ई का तो मैंने 34 ही निकाला था, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगे 0.3308, ठीक है, तो ये आंसर और ये आपको दो चीज मिलेंगे जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच हो रही है, कि इसकी वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक लाइस होगा और 0.3 से 0.34 के बीच में, ठीक है, विच इज सेम गाइस, ठीक है, तो बस उसको एक एक पॉइंट को राउंड ऑफ करके वहाँ पे रेंज में उन्होंने कन्वर्ट करके ऑप्शन में दिया है, ठीक है, सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके गाइज, अब मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने फॉर्मूला पे बेस्ड इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मैं इसे कुछ नहीं इस क्वेश्चन को, ओके कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई रिपीट इट अगेन, कैन आई रिपीट सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके Genu guys, this is very very easy. If the goods are perfect substitute क्या होता है, u equal to x plus y, और x plus y का क्या equation होता है, line, that is the this straight line ना, so straight line, आपको इसका indifference curve guys, perfect substitute का indifference curve क्या होता है, straight line, ठीक है, Cobb Douglas का क्या होता है, उसी तरह से आपको मीन का लाइक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का u इज इक्वल टू मीन ऑफ एक्स वाई, ये आपका एल शेप बनता है, ये आपका कॉन्वेक्स शेप बनता है, उसी तरह से परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का आपको पूछा गया है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में स्ट्रेट लाइन बनती है, ओके सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, या फिर आप इस जो कि इसका इक्वेशन होता है x प्लस वाई, और x प्लस वाई को जब आप मैथमेटिकली भी लिखोगे तो यही आपको मिलेगा, ठीक है, चाहे तो आप इस वे से जाओ या फिर आप इसको याद कर लो, ठीक है, ये तो बेसिक चीजें सब सबको याद होनी चाहिए गाइस, ओके सो दिस क्वेश्चन इज जेएनयू ट्रिपल एस, या जेएनयू एसआईएस, सॉरी एसआईएस 2017 क्वेश्चन नंबर 21, ओके ओके गाइस, द कंज्यूमर यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ द टू गुड्स, ठीक है, दो गुड्स का, गुड एक्स है और गुड वाई, ओके इज गिवेन बाय द यूटिलिटी गाइज, यू इक्वल टू एक्स वाई, यू इक्वल टू एक्स वाई, ये मेरा कॉब डगलस फंक्शन है सी डी, ठीक है, ओके द कंज्यूमर एंजल कर्व, गाइज एंजल कर्व पूछा है, तो मेरा जब भी ये कॉब डगलस फंक्शन होता है तो इसका स्टैंडर्ड डिमांड फंक्शन गाइज क्या होता है, एक्स स्टार इज इक्वल टू एम बाय टू पी वन, वाई इज इक्वल टू एम बाय टू पी टू, ठीक है, दैट इज अ बेसिक डिमांड फंक्शन ऑफ द कॉब डगलस,
ठीक है, या फिर आप 2p1 बोलो या 2px बोलो या फिर 2py बोलो या 2 बोलो, ठीक है सेम चीज। ठीक है, तो ये इसका डिमांड फंक्शन होता है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि गुड एंजल कर्व आपको बताना है कि सपोज कि मैंने x स्टार डिमांड फंक्शन कॉम्प्लेक्स का राइज किया है m बाय 2p1। ओके सो एंजल कर्व गाइस किसका रिलेशन बताता है, एक्स का और एम के रिलेशंस को बताता है। ठीक है, बेसिक ना, अभी हम जो किए थे ना कि लाइक दिस इज एक्स क्वांटिटी एक्स और दिस इज एम, ठीक है, तो इनकम और क्वांटिटी के रिलेशंस को बताता है मेरा एंजल कर्व। तो मुझे एक्स स्टार पता है कि इसकी डिमांड एक्स स्टार इज इक्वल टू एम बाय 2p1, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ या पार्शियल डिफरेंशिएशंस करो या टोटल डिफरेंशिएशन करो। सो डेल एक्स बाय डेल एम, ये एम उठ के यहाँ आ गया, तो मैं दो के रिस्पेक्ट पे निकाल रहा हूँ, तो डेल एक्स बाय डेल एम इज इक्वल टू 1 बाय 2p1 गाइज, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज लीनियर एंड अपवर्ड स्लोपिंग, लीनियर एंड अपवर्ड स्लोपिंग, बट यहाँ पे और एक एडिशनल होनी चाहिए थी अपवर्ड स्लोपिंग, बट इन्होंने नहीं दिया है क्योंकि पॉजिटिव है ना, क्योंकि प्राइस तो मेरा पॉजिटिव होगा, तो 1 बाय 2p1 क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो लीनियर तो है लेकिन मेरा स्लोपिंग इसका अपवर्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। Okay guys, any doubt till here? Okay, JNU 2014 SSS question number 22. Okay guys, this is very very easy. If the demand quantity of a price increase by 5% when the price of wheat increase by the 20% on the cross price elasticity. Guys, मैंने आपको क्या बताया था cross price elasticity क्या होता है, कि percentage, suppose कि दो गुड है, suppose this is good x और y, ठीक है दो गुड है, तो percentage change in x, percentage change in x divided by percentage change in price of other goods, other good मतलब y, ठीक है other good मतलब y, ठीक है, तो ये मेरा होता है, तो percentage change in the quantity demanded, कितना है percentage change in the quantity demanded, that is 5 से मेरा बड़ी, that is 5 divided by wheat की prices कितनी से बड़ी 20 से, so divided by 20, so 1 by 4%, 1 by 4 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब 0.25। ओके, सो दोनों मेरा इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, सो सी, सो सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या सपोज द डिमांड फॉर द गुड जेड गोज अप व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड वाई गोज डाउन। Okay. We can say that the good X and Z are what? Okay. तो आपको दो गुड, suppose the demand for the good Z goes up. इसका demand बढ़ गया. When the price of a good Y down, जब इसकी prices घटी, ठीक है, तो एक का demand बढ़ा, दूसरे का prices घटा, ठीक है. गाइस, तो नेगेटिव रिलेशन है ना, और नेगेटिव रिलेशन किस में आता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में या फिर कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। सो डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल पी वाई लेस देन जीरो, तो मतलब कि ये मेरा कॉम्प्लीमेंट गुड है, अगर मेरा पॉजिटिव आता तो ये मेरा कौन सा गुड होता गाइस, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, या फिर जो क्रॉस सब्स्टिट्यूट। ओके, सो मेरा क्रॉस सब्स्टिट्यूट में बनता, क्रॉस सब्स्टिट्यूट में बनता, तो ये मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव मुझे कॉम्प्लीमेंट बताती है, तो आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। गाइस, ये फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, ठीक है, तो आपको ये फार्मूला सारी अच्छे से आना चाहिए, लाइक ये कॉम्प्लीमेंट
correlations demand और prices के साथ क्या होगा, perfect substitute का क्या होगा, ठीक है, फिर substitute का क्या होगा, जैसे अभी दो चीज़ें गाइस, substitute और perfect substitute. Perfect substitute का जो basic जो होता है that is x plus y, utility is equal to x plus y, लेकिन substitute का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, like u equal to 2x plus y या 5x plus 3y, ठीक है, इस टाइप का मतलब substitute. और परफेक्ट का मतलब वन वन, मतलब यहाँ पे कॉफिशियंट वन वन होगा, तो दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. ठीक है, जो जैसे कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में इसका उल्टा होता है, मतलब वो नेगेटिवली चलता है. ठीक है, जैसे पेन एंड पेपर, ठीक है, जैसे पेन एंड पेपर, सपोज जैसे पेन की गाइस अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो पेपर का डिमांड घट जाएगा ना, तो ये कौन सा रिलेशन को बताता है, नेगेटिव, एक बढ़ा दूसरे वाला घटा, नेगेटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन ही तो मेरा कॉम्प्लीमेंट है. जैसे बेस्ट एग्जांपल मेरा पेन एंड पेपर, गाइस विदाउट पेपर, विदाउट पेन द पेपर इज यूजलेस. ठीक है, अगर पेन ही नहीं रहेगा तो पेन का प्राइसेस काफ़ी अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड पेपर का ऑटोमेटिकली घट जाएगा ना. ठीक है, और ये हम जानते हैं कि दोनों गुड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, सो ये इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो गाइस मूव टू द 80 नंबर क्वेश्चंस, जेएनयू ट्रिपल एस 2020. ओके, सो इन अ टू गुड वर्ल्ड द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर द कमोडिटीज 1 एंड 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूटिलिटी फंक्शंस दिस. ओके, Vx1 प्लस x2, गाइस दिस इज x2 इज अ लीनियर, क्यों, क्योंकि हमें पावर 1 है, बट यहां पे कुछ भी हो सकता है, सो दैट इज नॉन लीनियर. ठीक है, ये लीनियर नहीं है क्योंकि एक फंक्शन ऑफ x1 है. ठीक है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ x1, सो दैट इज अ नॉन लीनियर. ओके, सो गाइस नॉन लीनियर प्लस लीनियर, दैट इज कॉल्ड कुजाइलीनियर. ओके, नॉन लीनियर प्लस लीनियर, दैट इज कॉल्ड कुजाइलीनियर. ओके, कुजाइलीनियर. ओके, जैसे गाइस ये जो जो नॉन लीनियर गुड है ना, जो नॉन लीनियर गुड है, ये बेसिकली नेसेसिटी गुड होता है. ठीक है, नेसेसरी गुड, नेसेसरी गुड मतलब, जैसे गाइस सॉल्ट, बेसिक एग्जांपल सॉल्ट, ये हर बुक में होता है, चाहे वेरियन पढ़ो या फिर आप निकल्सन पढ़ो या फिर मैस्कुलिन पढ़ो, कोई भी माइक्रो को आप उठा लो, ठीक है, पेंटा को सब, तो ये बेसिक एग्जांपल होता है कि अगर आपका सपोज कि अगर इनकम अगर आपका बढ़ जाए तो आप सॉल्ट जितना कंज्यूम करते थे पहले आप उतना ही कंज्यूम करोगे. क्यों, क्योंकि ये नेसेसरी गुड है, आप इसके कंजम्पशन को बढ़ा नहीं सकते. ठीक है, ओके, और x2 मेरा क्या है, नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड है, और Vx1, ठीक है, तो दैट इज नॉन लीनियर प्लस लीनियर इज इक्वल टू कुजाई लीनियर, और जो नॉन लीनियर है वो नेसेसरी गुड है. बेस्ट एग्जांपल सॉल्ट, आपका इनकम कितना भी बढ़ जाए आप सॉल्ट जितना कंज्यूम करते थे आप उतना ही करोगे. ठीक है, ये नहीं कि आप सॉल्ट बहुत ज़्यादा जो है कंज्यूम कर लोगे. बहुत सारे एग्जांपल है गाइस, जैसे मेडिकल, जैसे मेडिकल हो गया, मेडिसिन, ठीक है, तो मेडिसिन में आप उतना ही लोगे ना जितना ज़रूरत होगी. अच्छा, अगर आपका इनकम कितनी भी अगर बढ़ जाए तो आप मेडिसिन तो आप ज़्यादा नहीं ले सकते ना, तो वो आपके लिए नेसेसरी गुड है. ओके, ओके, तो गाइस जब भी नेसेसरी गुड है, तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके इनकम बढ़ने से नथिंग, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है नेसेसरी गुड पे. ओके, तो इनकम इफेक्ट गाइस मेरा क्या होगा, जीरो, देयर इज नो इनकम इफेक्ट. ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नो इनकम इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन तो गाइस ऑलवेज नेगेटिव, मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल द गुड्स, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी गुड रहे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. बस जहाँ पे भी दिखे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, राइट और रॉन्ग, राइट, ऑलवेज राइट. बस गुड को देखना ही मत कि वो कौन सा गुड है, बस अगर इनकम इफेक्ट दिया हुआ है तो वहाँ पर चेक कर लेना कि वो मेरा गिफेन गुड है या इन्फीरियर गुड है या वेबलिन है या फिर नॉर्मल गुड है या फिर, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. इनकम इफेक्ट मेरा यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, जीरो इनकम इफेक्ट होगा, नो इनकम इफेक्ट होगा, सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, ओके, 81, इन अ टू गुड वर्ल्ड सपोज दैट द प्राइस ऑफ वन गुड डिक्रीजेस
which of the following hold true? क्या true hold होती है? Option number A को read करते हैं कि the Selesky equation says that the total change in the demand is exactly equal to the guys that is the Selesky equation. मैंने आपको वही बोला ना कि जो प्राइस इफेक्ट है कि this is suppose this is initial उसके बाद प्राइस घट के यहाँ आ गया, आप कंज्यूम यहाँ कर रहे थे अब यहाँ आ गए, ये जो दोनों था दैट इज़ अ दोनों, ये मैंने क्या था प्राइस ऑफ अ कर्व था, अब सेलेस्की ने यही तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने इसको दो भाग में बांट दिया ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट इज इक्वल टू सेलेस्की, यही तो सेलेस्की था जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट है. ओके सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. Okay, that is very easy, guys. Okay, okay. This is guys SNU, Saint Mother University. Question number 5, 2020. Okay, 2020. Guys, X2 is what? Linear. This is non-linear. So linear plus non-linear, that is quasi-linear. Okay, okay. The prices of the two goods X1 and X2 and the money income are given by the P1 and P2. X1 ka price kitna hai? P1. X2 ka price kitna hai? P2. Okay. Aur money aapke paas kitna hai? Income kitna hai? M. Okay. Aapko batana hai ki the amount of X2 jo hai consume in equilibrium given by the डिमांड फंक्शन दिस. ठीक है, तो बेसिकली आपको गाइस का डिमांड फंक्शन को बताना है कि ये डिमांड फंक्शन जो है X2 का निकालो, फिर उसके बाद आप देखो कि उसका जो एक मतलब इंडिपेंडेंट है प्राइस ऑफ वन के या प्राइसेस ऑफ गुड टू के या पॉजिटिव इंडिपेंडेंट. ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है. ओके ओके, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ गाइस. मुझे गाइस दे रखा है क्या, यूटिलिटी इज इक्वल टू X2 प्लस LN X1 मुझे दे रखी है. ओके ओके गाइस, कंज्यूमर बिहेवियर का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वन डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड टू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वन इक्वल टू प्राइस ऑफ टू, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके फॉर द एनी. ठीक है, ये मेरा होता है क्योंकि मेरा कंडीशन है कंज्यूमर बिहेवियर का. ओके, तो क्या मैं यहाँ पे फिर से मैं एक बार लिख लेता हूँ गाइस कि मेरा यूटिलिटी फंक्शंस क्या दिया हुआ था, यू इज इक्वल टू X2 प्लस LN X1, और मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, MU1 MU2 डिवाइडेड बाय P1 बाय P2. ओके ओके ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वन टू LNX, तो इसको जब डेल यू बाय डेल X1, MU1 क्या होता है गाइस, यही तो होता है ना, डेल यू बाय डेल X1. MU2 क्या होता है, डेल यू बाय डेल X2 इज इक्वल टू P1 बाय P2. सो डेल यू बाय डेल X1 तो दैट इज 1 बाय X1, डेल यू बाय डेल X2 दैट इज 1. सो क्या मैं यहाँ पे डेल यू बाय डेल X1 की जगह में 1 बाय X1 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल X2, X2 का वैल्यूज 1 इज इक्वल टू P1 बाय P2. ओके, P1 बाय P2, तो मैं इसको थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 1 बाय X1 नीचे आ गया, P1 बाय P2, मैं P2 को यहाँ लेके जाता हूँ, P2 इज इक्वल टू P1 X1, तो P2 मेरा गाइज ये आया. ओके ओके, बट मुझे निकालना क्या था, डिमांड ऑफ X2. ओके, तो मैं अब चलता हूँ कि M इज इक्वल टू मेरा बजट लाइन गाइस क्या था, दैट इज P1 X1 प्लस P2 X2, यही तो मेरा है ना बजट लाइन का इक्वेशन. सो लाइक M इज इक्वल टू गाइस P1 X1, P1 X1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P2, सो दैट इज P2 प्लस P2 X2. ओके, सो M इज इक्वल टू, मैंने P2 कॉमन ले लिया, सो 1 प्लस X2. नो, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग गाइस, जस्ट वेट. ओके ओके, P2 X2,
तो गाइस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m माइनस पी टू को मैं यहाँ लेके गया इज इक्वल टू पी टू एक्स टू, तो क्या मैं x2 को ऐसे लिख सकता हूँ m माइनस पी टू डिवाइडेड बाई पी टू, ओके तो x2 मेरा ही आया, x2 मेरा ही आया, क्या आया दैट इज x स्टार, दैट इज द डिमांड फॉर द गुड x, गुड x x2 का m माइनस पी टू बाय पी टू। गाइज यहाँ पे p1 नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड वन, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड वन, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके सो सी मेरा आंसर होगा, ठीक है। एनी डाउट गाइस इस क्वेश्चन पे बताइए आप कुछ? नो सर, ओके ठीक है, तो आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बस इसमें कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी आपका मैनिपुलेशन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पता होना चाहिए, बस मैंने वही चीज़ यहाँ पे बैठाया और मैंने x2 का डिमांड फंक्शन निकाला, तो x2 मुझे मालूम चला कि यार ये तो p1 यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट है p1, और मेरा ऑप्शन सी के साथ मैच होंगे, ओके ओके। सो दिस इज द जे एन यू एस आई एस 2015 क्वेश्चन नंबर 32, ओके। Suppose ki Joy consume only two good X or Y. Suppose that he always increases his quantity consumed of Y when the prices of Y rises. Suppose ki agar prices of Y agar badhti hai na, prices of Y agar badhti hai, wo Y ke consumption ko aur zyada karti hai. Theek hai? Okay? Increases his quantity. Increases his quantity. Toh prices badha. क्वांटिटी भी बढ़ा बढ़ गई इसकी, तो मेरा वाई गाइस कौन सा गुड है? गिफेन, गिफेन गुड है, ओके ओके, सो वाई इज अ गिफेन गुड, लेकिन मुझे बताना क्या इस ऑप्शन में से मुझे कौन सा सही है, ये मुझे बताना है गाइस। सपोज सपोज कि अगर मेरा टू गुड वर्ल्ड इकोनॉमी है, ओनली दो ही गुड है एक्स और वाई, ओके, और मैं रैशनल हूँ, मुझे मालूम चला कि गाइस ये मेरा क्या है, ये मेरा गिफेन गुड है, ये मेरा गिफेन गुड है, तो एक्स को नॉर्मल गुड बनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों गिफेन गुड इज नॉट पॉसिबल इन इन अ रैशनल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ रैशनल वर्ल्ड, और रैशनल वर्ल्ड में एक को तो यार नॉर्मल होना ही होगा, ठीक है, एक को तो नॉर्मल होना ही होगा सर, ये समझ में नहीं आया, ओके। जैसे जैसे यहाँ पे मेरा, देखो यहाँ पे क्या बता रखी थी कि मेरा प्राइसेस बढ़ी तो मेरा वाई के कंजम्पशन को मैंने बढ़ाया, तो इस रिलेशन से मैंने बताया कि वाई मेरा गिफेन गुड है, ओके ओके, वाई मेरा गिफेन गुड है, ठीक है, और वाई मेरा जब गिफेन गुड है तो वाई मेरा इंफीरियर भी है, वही वाला लॉजिक, ठीक है, ऑल गिफेन एंड इन्फीरियर, ओके, सो वाई मेरा इन्फीरियर भी है, ओके, बट दोनों गुड X और Y कभी भी, मेरे पास X की इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे सिर्फ Y की इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी है मुझे Y की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और मुझे Y पता है कि Y मेरे इन्फीरियर गुड है, इन्फीरियर है या फिर गिफन बोलो, लेकिन X को तो नॉर्मल होना होगा ना, अगर हम दो गुड ही सिर्फ, अगर सपोज कि अगर हम टू गुड वर्ल्ड इकोनॉमी अगर हम रह रहे हैं, सिर्फ अगर मेरे पास दो ही ऑप्शन है, दो ही गुड मार्केट में मिल रही है, और मुझे मालूम चल गई कि यार ये मेरा इंफीरियर गुड है, तो एक्स को नॉर्मल बनना पड़ेगा, व्हाई, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ रैशनल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ या दैट इज रैशनली, ठीक है, सो बोथ गुड्स कांट बी इंफीरियर साइमल्टेनियसली, वन गुड हैज टू बी अ नॉर्मल, ओके, सो एक्स इज अ नॉर्मल, क्यों, क्योंकि एक्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो मुझे एक्स को नॉर्मल मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रैशनलिटी, डिड यू गॉट माय पॉइंट, ओके या ठीक है, इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जेएनयू में काफी बार रिपीट हुआ है, अभी शायद मैं काफी बार इस क्वेश्चन को लिया हूँ, ठीक है, ये 2015 में भी रिपीट हुआ है, 2012 में भी रिपीट हुआ है, काफी बार 3-4 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ओके ठीक है, तो x को तो नॉर्म, क्योंकि x के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि y मेरा इन्फीरियर है, बताइए, मुझे सिर्फ y के बारे में मालूम है, मुझे x के बारे में नहीं पता है कि x मेरा क्या है, तो
एक्स को नॉर्मल होना पड़ेगा. ओके, इसीलिए ही इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, सेम जेएनयू 2000 सेम का 34 है. 34 नंबर ऑफ क्या दे रखी है कि या देखो सेम चीज है. सेम कंज्यूम ओनली टू गुड्स एक्स और वाई. अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक्स दे रखी है कि एक्स मेरा गिवन गुड है तो वाई को क्या होना पड़ेगा, वाई को नॉर्मल होना पड़ेगा. डिड यू गॉट इट? ओके, सो दैट इज अ बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो I have a one question. Actually, your voice is so बहुत कम आपकी आवाज आ रही है. Now I am audible. Can you please increase your volume? Yeah. Now I am audible. Yeah. You are audible now. So in the previous question, suppose the in the two previous questions is given that one is a given truth and we have to say the other is a normal. In the same same way. In the previous question. Yeah. 34 or 32. Can you please tell me 32 or 34? Both are basically the same, no? Yeah. Concept. Hmm. Yeah. So I'm asking that if in the same way that the question said that the one good is normal, then other, what is the nature of the other good? Then we can say that other good is inferior or given, something like that. Means according to you, if the some statement is there, like what is the statement? Can you please repeat it? Sir, she is asking about the converse condition. If any good is normal, then what can we say about the other good? Yeah. Whether right. It is given and whether it is normal. That is right. Okay. So according to you, suppose ki agar wo normal agar good hai, agar mujhe normal de rakhi hai, to kya hum inferior ya fir given bol sakte ya nahi? Bilkul nahi bol sakte, guys. Bilkul nahi. क्यों? क्योंकि मैं रैशनलिटी हूँ ना यार, मैं रैशनल हूँ, मैं ऑलवेज नॉर्मल की तरफ मैं मूव करूँगा ना. आप लोग इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स का जो मेन है, मैं बिहेवियरल अभी इकोनॉमिक्स पे नहीं जाता हूँ, जब आप पीजी में जाइएगा तो वहाँ पे एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आता है, वहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट है. बट अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पे मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशन पे बात करूँगा, ठीक है. मैं गिफेन और इन्फीरियर पे मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है. अगर मेरा एक्स अगर मेरा नॉर्मल कंडीशन दे रखी है, तो वाई को हम विदाउट कुछ अगर इसके बारे में अगर नहीं बोली गई है, तब भी हम इसको नॉर्मल गुड मानेंगे, इन्फीरियर नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि हम एज अ रैशनल ट्रीट करते हैं. जब भी आप कंज्यूमर बिहेवियर के फर्स्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है ना कि रैशनल कंज्यूमर, रैशनल डिमांड, ठीक है. क्यों? क्योंकि हम लोग रैशनलिटीज पे हम डिपेंड है, हम लोग रैशनलिटीज को मानते हैं ना कि वो इन्फीरियर. दैट इज एक्सेप्शन केस ना, गिवन गुड इन्फीरियर गुड, दैट इज एक्सेप्शन केस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, वी आर ऑलवेज होल्डिंग द लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, बट वेन वी मूव टू द लाइक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और सम अदर इकोनॉमिक्स, देन द डिफिनेशंस माइट बी चेंजेबल. बट टिल नाउ यू consider y as a normal always if the statement is not provided here, then you always treat y as a normal goods rather than a inferior or a given goods. Okay, did you got my point? Yes sir, thank you. ठीक है, क्योंकि हम लोग rationality की बात करते हैं, ठीक है. सिर्फ चार assumption होता है ना rationality की, ठीक है, reflexive, उसके बाद और आई थिंक चार या पांच होता है, ठीक है. ओके, सो या गाइस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो जेएनयू ट्रिपल एस 2013 क्वेश्चन नंबर 2 है. ओके, ओके, सतीश इज वेरी कॉन्शियस अबाउट द फूड ही ईट्स, ठीक है. ही ओनली ईट रोटी एंड दाल, वो सिर्फ दो ही चीज खाता है, रोटी और दाल. ओके,
मैंने दाल को मान लिया एक्स, आप कुछ भी मान सकते हैं गाइस, ठीक है, और मैंने रोटी को मान लिया वाई, ओके ओके। अब कप ऑफ दाल कॉस्ट 2 रुपीज, कितना लग रहा है उसको, 2 रुपीज लग रही है दाल का कॉस्ट 2 रुपीज, ठीक है, दैट इज 2x, वाई ईच रोटी कॉस्ट 1 रुपी, ठीक है, सो 2x प्लस वाई, एंड सतीश डिसाइडेड टू स्पेंड मनी 13 पर डे, कितना खर्च करती है 13 रुपीज इस प्रोडक्ट पे वो खर्च करती है, दैट इज इक्वल टू 13, ओके। ही आल्सो डिसाइडेड टू कंज्यूम एग्जैक्टली इतना कैलोरीज, 1500 कैलोरीज अ डे, ओके, पहला ऑप्शन होता। दूसरा अब वो डिसाइड करता है कि यार हमें कंज्यूम करना चाहिए एग्जैक्टली इतना कैलोरीज अ डे। ही हैज बीन टोल्ड दैट कि ईच रोटी हैज इतना कैलोरी, विथ ईच कप ऑफ दाल दिस कैलोरी ही स्पेंड दिस मच दिस मच। गाइज एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है कि यहाँ पे कैलोरी की बात करती है अ डे, तो गाइज वो जब भी उस फूड को खाएगा, खाने जाएगा, तो उस पर एक्सपेंडिचर करेगा ना, तो ये एक्चुअली क्या है, खर्च ही तो है, ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पे घुमा के क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि 500 कितना है, रोटी का कितना है 1000 और दाल का कितना है 500, सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 500x प्लस 1000y इज इक्वल टू कितना खर्च करता है वो, दिस मच इनकम, ठीक है, सो 5500 कैलोरी। गाइज ये तो बहुत इजी है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको y का वैल्यूज आएगा 3 और x की वैल्यूज आएगी 5, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑप्शन x मेरा क्या था गाइज, दाल मेरा क्या है 5, सो दाल 5 कप्स और रोटी मेरा 3, सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ओके गाइज। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको बस दे रखी है कि ये कंज्यूम रोटी और दाल दो गुड है, रोटी और दाल, तो मैंने इसको एक्स माना, इसको मैंने वाई माना, ओके, और आपको दे रखी है कि दाल का 2 रुपया है, दैट इज 2x प्लस, और 1 रुपया वाई का है, और कितना खर्च करती है 13, ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा बता रहे कि वो कंज्यूम एग्जैक्टली इतना कैलोरी अ डे, ही हैज बीन टोल्ड दैट कि ईच रोटी हैज इतना कैलोरी, इतनी कैलोरी, व्हाइल ईच कप ऑफ हैज इतना कैलोरी। गाइज सपोज आप पहले किसी सपोज कि अगर आप कोई चीज़ को खाते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ों पे आप एक्सपेंडिचर करते हैं ना, पहले मार्केट से लेके आते हैं, फिर उसके बाद तो उसको खाते हैं ना, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया ना, तो दैट इज द एक्सपेंडिचर, ओके, सो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सो सेम चीज़ आपको यही, इसका एक्स का जब 500 होता है, 1000 जब वाई का होता है, तो उस टाइम में उसकी इनकम इतनी है, तो बस मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, और मुझे एक्स की वैल्यूज 5 और वाई की वैल्यू 3, ठीक है, थोड़ी सी लॉजिक गाइज है यहाँ पे, बस आपको ये लॉजिक लगानी है, ओके, सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एनी डाउट गाइज टिल नाउ? But units are not same, no, sir. Like calories and rupees, how can you like compare? Yeah, that is why I'm asking na, ki calorie, आप अगर किसी भी चीज को खाएंगे आपको कैलोरी कब आएगी, सबसे पहले आप उस पर एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर करके फिर आप उस फिर उस आप फूड को घर लेके आएंगे, फिर उसके बाद खाएंगे ना, तो ये इनडायरेक्टली मतलब आपको ये थोड़ा सा सोचना है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ही तो हो रहा है, दैट इज एक्सपेंडिचर ना, ठीक है, दैट इज एक्सपेंडिचर्स, सो इसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने घुमा के पूछा है कि आपको इतने कैलोरी डे मिल रहा है, ठीक है, इतना कैलोरी डे, ही हैज बीन टोल्ड दैट ईच रोटी, इतनी रोटी अगर वो खाएगी तो उसे 100 कैलोरीज में मिलेगी, ठीक है, तो मतलब इतना एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है ना रोटी पे, तभी तो उसको इतनी कैलोरी मिल रही है, सो दैट इज दिस इनटू वाई, रोटी पे और दाल पे इन्होंने इतनी एक्सपेंडिचर की है, खाई है उतनी, तो दैट इज एक्सपेंडिचर्स, और इज इक्वल टू उसके पास इतनी रही होगी, इतनी इनकम रही होगी, तभी तो इसको खरीदी होगी, ठीक है, तो मतलब कैलोरी, बस आपको यहाँ पे इनकम ना देखे कैलोरी में देखे कंफ्यूज कर दिया कि भाई अब ये तो मेरा इनकम है, ये तो मेरा कैलोरी है,
तो तू कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी लॉजिक यहाँ पे लगानी है, तो मतलब आपको कैलोरी को इन टर्म्स ऑफ इनकम लेना है, मतलब आपको सोचना है थोड़ी सी, ठीक है। तो डिड यू गॉट इट? बट सपोज दैट लाइक या नो सर, लाइक इन द फर्स्ट सेंटेंस इफ द रुपीस आर गिवन एंड द instead of calorie it is like a rupee, paise is given, then we have to convert the paise in the rupee or rupee or the paise. Yeah, yeah, but question agar given agar hota, like agar a question that is given, then you have to convert. But yahan pe aisi koi cheez nahi specific di hui hai, aapko is question ko thodi si logic se solve karna hai, theek hai, kyunki logic aur reasoning bhi JNU ke part pe kafi zyada important role rehta hai. कि आपको जब आप जब मैं नेक्स्ट सेशंस लेके आऊँगा प्रोडक्शंस पे और कॉस्ट पे और उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस पे, तो आपको बहुत लॉजिक, विदाउट लॉजिक आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको लॉजिक यहाँ पे लगानी होगी। अगर यहाँ पे ऐसी कुछ कन्वर्टिबिलिटी अगर यहाँ पे कुछ होती तो आपको यहाँ पे मेंशन होती ब्रैकेट कि हाँ इतनी कैलोरीज इक्वल टू इतनी प्राइस वगैरह वगैरह, तो आप उसको वहाँ पे कन्वर्ट करके फिर आप उसको इनकम वगैरह में लिख सकते थे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसी कोई मेंशन नहीं की हुई है। Did you got my point? Did you got? Yes, yes. Yeah. तो जब वहाँ पे दी रहेगी तब फिर आप उसे यूज करेंगे, ओके? ओके। JNU SSS 2020 क्वेश्चन नंबर 17th, ओके? Guys, this type of question is asked in CUT as well. क्योंकि इस type question बहुत ही कॉमन और रेयर है, आपको आनी चाहिए, ठीक है, कि इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ओके गाइस, मुझे दे रखी है कि मेरी यूटिलिटी फंक्शन दिस मच रूट अंडर एक्स वन एक्स टू। गाइस दिस इज अ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एक्स वन एक्स टू, कॉब डगलस का ही तो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है ही, ओके। तो मतलब मेरा ओरिजिनल यूटिलिटी फंक्शन ये है एक्स वन इंटू एक्स टू, मतलब कॉब डगलस सी डी। ओके सपोज गाइस u is equal to, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x1 root का मतलब क्या half of, half of, तो इसका मतलब half of, okay? Okay. Okay. Guys, ये जो मेरा ratio है ना, this ratio को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर मुझे कोई डिमांड फंक्शंस अगर दी हुई अगर रहती है, जैसे माइनस ए पी पे पावर माइनस बी था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अगर मुझे कोई डिमांड फंक्शन दी हुई रहती थी तो ये वाला जो पावर होता है ना, ये पावर को हम लोग बोलते थे क्या, इलास्टिसिटी। वैसे ही अगर मेरा यूटिलिटी में अगर ये पावर दिया हुआ है तो ये पावर एक्चुअली कुछ नहीं बस एक्सपेंडिचर है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो दैट इज द गुड वन का, सपोज एक्सपेंडिचर वन, दिस इज एक्सपेंडिचर टू, सो मैं अगर रेशियो लूंगा एक्स वन बाई ई टू, सो हाफ हाफ मतलब वन इज टू वन, वन इज टू वन मतलब सेम सेम 50-50, सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन 50-50, ओके। So, the basically जो power only on the Cobb-Douglas function or any function? No, any functions, whether you take a standard perfect complement, whether you take a perfect substitute, whether you take quasi-linear, whether वहाँ पे आपको specific दी हुई रहेगी, या फिर आप ऐसे भी खुद सोचे ना, like देखो मैं आपको अलग method से भी बता देता हूँ, I think आपको, देखो मुझे यूटिलिटी फंक्शंस क्या है कि u इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू ना, सपोज दिस u इज इक्वल टू क्या था कि रूट अंडर एक्स वन एक्स टू, ओके दिस मच, और दैट इज द कॉब डगलस, क्योंकि ये मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है तो दैट इज एक्स वन एक्स टू, और इस कॉब डगलस का मेरा डिमांड फंक्शंस क्या होता है, एक्स वन स्टार इज इक्वल टू क्या होगा m बाई टू पी वन, उसी तरह से एक्स टू स्टार इज इक्वल टू क्या होगा m बाई टू पी टू, ओके ओके ओके। सो क्या मैं इस p1 को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, तो p1 x1 is equal to m by 2, उसी तरह से p2 x2 is equal to m by 2, ठीक है, सेम सेम है ना, तो मुझे एक्सपेंडिचर, यही तो मेरा एक्सपेंडिचर है, सो दैट इज e1, दैट इज e2, तो मैं जब दोनों का रेशियो लूँगा
तो m by 2, m by 2 दोनों कैंसिल ना, 1 by 1, so 1 is to 1, मतलब सेम सेम, ठीक है? So 50-50 is a on good x1 and 50% on good x2. So the correct option is 1:1. Okay? Got it? चाहे इस मेथड से समझो या फिर आप इस मेथड से समझो, दोनों मेथड आपके पास है. Got it? Yes, sir. चाहे आप इस मेथड से समझो या फिर उस मेथड से समझो. चलो और एक क्वेश्चन बचा हुआ है और एक दूंगा, फिर मैं उसकी तरफ मूव करूंगा. हाँ, ओके. सो ये है आपका, मेरे यहाँ पे शायद छूट गया मेरा, आई थिंक ये क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए. JNU SSS 2018 क्वेश्चन नंबर 19 का. ओके गाइस, आपको क्या बताना है इसमें कि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. गाइस आपको सबको पता होना चाहिए कि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि आपकी रैंक जो है वो प्रिजर्व होता है, रैंक इज नॉट चेंजिंग. ओके, सपोज कि मुझे कोई यूटिलिटी फंक्शन थी, सपोज लाइक दिस यू इक्वल टू लाइक दिस इज 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव. ओके ओके, तो मैं अगर यहाँ पे x की अगर वैल्यूज 4 लूंगा ना, तो x की वैल्यूज क्या 4 हो जाएंगे, दैट इज 4 × 8 ग्रेटर देन x3 पे क्या होगा 6. ठीक है, ओके. तो ये मेरा ऑलवेज क्या होगा, अगर सपोज कि दिस इज एज अ फंक्शन है मेरा, ओके, 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6. ओके, सो मेरा हायर रैंक यहाँ पे क्या है, प्रिजर्व है, कि भाई जितनी ज्यादा मेरी हायर वैल्यूज आएंगी उतनी ही ज्यादा मेरा यूटिलिटी मिलेगा. ठीक है, तो मेरा हायर रैंक, मेरा हायर रैंक मेरा प्रिजर्व है. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये मेरा मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. गाइज देखो, मैं अगर पहले वाले की बात करता हूँ, फर्स्ट वाले में लेता हूँ. ओके, सो मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूँ. फर्स्ट वाले के अगर सपोज कि यहाँ पे नो, सबसे पहले मैं थर्ड वाले से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ओके ओके गाइस, -2 का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर. ओके, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर, बट -2 इज लेस देन 1. 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2 ना. ठीक है, तो भले मेरा इनपुट क्या है, दिस माय रैंक इज दिस, बट मैं जब इसी का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरा ये पूरा उलट गया. तो मैंने अभी आपको कहना कि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, कि ऑर्डर आपके रैंक आपकी प्रिजर्व होनी चाहिए, रैंक आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो मतलब ये मेरा नहीं है. उसी तरह से आप 2 को लो, जब आप 2 को अगर ले लो, सपोज कि आप कोई वैल्यूज को लो, सपोज कोई रैंडमली आपको एक वैल्यूज को लो, तो मैं ले लेता हूँ कि 4 यू इक्वल टू ई पे पावर, सपोज कि ई पे पावर मैं 4 ले लेता हूँ, ई पे पावर -4 प्लस 4 ग्रेटर देन ई पे पावर -1 प्लस 1. सेम चीज, मैंने एक बार 4 लिया, तो जब मैं इसके वैल्यूज को पुट किया ना, तो ये वाला ग्रेटर आया, बट -4 इज लेस देन 1, ये मेरा ओरिजिनल है, बट जब मैं इसके फंक्शनल वैल्यूज पर डाल पुटअप किया तो ये साइन उलट गया, तो ये मेरी रैंक प्रिजर्व नहीं है. ठीक है, तो बी भी कैंसिल. अब मैं चेक करता हूँ 1 को, 1 को मैं चेक करता हूँ, लो कोई भी रैंडमली. सो सपोज कि 2u1 और मैं ले लेता हूँ. ओके, सो 2u1, या फिर गाइज आप डायरेक्ट इसे बोल सकते हैं, दिस इज ना 2u1, सो दैट इज माई वॉट, जब इस अगर आप स्लोप निकालते हैं, दैट इज स्लोप इज पॉजिटिव 2. ठीक है, तो उसकी कुछ इस टाइप से होंगे, लेट सपोज कि कुछ इस टाइप से, ठीक है,
तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ठीक है। मैं जस्ट रफली बना रहा हूँ कि कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इसके स्लोप कुछ इस टाइप का, कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब मोर इज गुड, मोर इज गुड, तो रैंक इज प्रिजर्व ना, मोर इज गुड, मोर इज गुड, मोर इज गुड। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ओके, ओनली वन इज अ करेक्ट ऑप्शन। गाइज आपको मोनोटोनिसिटी चेक करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज है मोनोटोनिसिटी को चेक करना, ठीक है। अगर आपको नहीं आती है तो ग्रुप में आप लिखना, मैं इस पर काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, जिसमें भी अगर नहीं आती है तो। और फिर अगर मैं एक दिन अलग से मॉर्निंग में लेके आपको अच्छे से मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन समझा दूंगा कि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, कैसे उसको वायलेट करते हैं, कैसे उसका कॉन्ट्राडिक्ट प्राइज होती है, ठीक है। तो मैं सारा चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। तो बस आपको मोनोटोनिसिटी का मतलब ये होनी चाहिए कि मेरा रैंक फिक्स होनी चाहिए, रैंक मेरा चेंज नहीं होनी चाहिए, ओके, रैंक इज ऑलवेज फिक्स, ओके। 44 गाइस आपको दे रखी है कि ये भी जेएनयू का ही है, दिस इज जेएनयू 2018 ट्रिपल एस क्वेश्चन नंबर 44, ओके। सो यूटिलिटी आपको दे रखी है यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट इज द परफेक्ट सब्सटीट्यूट। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 2 rupees एंड द प्राइस ऑफ वाई इज ऑल्सो 2 rupees, ठीक है, दोनों का। सो 2x प्लस 2y दे रखिए, ओके। द कंज्यूमर हैज एन इनकम ऑफ 100, कितना इनकम है 100, दैट इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन बेसिक, ओके। So what are the utility maximizing consumption bundle, if any, explain your answer, okay guys, this is my the budget line equation, ठीक है। तो मैं अगर जब स्लोप की बात करता हूँ तो स्लोप में कैसे निकालता हूँ, स्लोप ऑफ बजट लाइन कोफिशियंट ऑफ x, कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ y, कोफिशियंट ऑफ x 2 डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ y 2, सो 2 कैंसिल 1, तो मेरा स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या हुआ 1, ओके। उसी तरह से मैं इंडिफरेंस कर्व का बजट लाइन निकालूंगा, स्लोप ऑफ आईसी कर्व, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई 1, सो 1 1, ओके। सो मुझे बजट लाइन की भी स्लोप मालूम चल गई 1, और मुझे इंडिफरेंस कर्व का भी स्लोप मालूम चल गया 1, तो मतलब दोनों का स्लोप बराबर है। और मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इंडिफरेंस कर्व कैसे होता है, सॉरी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का, दिस इज ठीक है, और ये 1 है, ओके। और मेरा बजट लाइन भी इसी पे कॉन्साइड हो रहा है, ठीक है, दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है, और बजट लाइन भी जो है इसी पे कॉन्साइड हो रहा है, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो दो जो कट किया, तो मतलब ये सारा पॉइंट मेरा क्या ऑप्टिमल पॉइंट हो गया, ओके, दैट सारा पॉइंट मेरा ऑप्टिमल पॉइंट हो गया, ओके। सो ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑन द बजट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके। एनी डाउट गाइज? नो सर। एनी डाउट टिल हियर? और दो तीन क्वेश्चन जो कि जेएनयू के काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करके फिर मैं कंज्यूमर बिहेवियर के ISI DSE के पास्ट ईयर पे जाऊंगा, ठीक है। और आई होप कि गाइस आपको ये सेशन अच्छी लगी होगी। ओके, so thank you guys. Thank you, sir. Okay, you can leave now. You can leave now. Sir, वो आप बोलिए। सर आपने फिर वो सोचा मतलब कि क्लासेस के बारे में कि ऐसी मतलब यही फ्रीक्वेंसी रहेगी है मतलब? फ्रीक्वेंसी एक्चुअली मुझे भी टाइम नहीं मिलता, मेरे भी मतलब और भी मेरे क्लासेस हैं तो उसे भी लेना पड़ता, बट मैं देता हूँ, मैं सप्ते में चार मतलब 7 days का वीक होता है ना, तो मैं 4 days या 5 days में लूँगा, ठीक है, थोड़ी सी मुझे ओके सर।
ठीक है, आप टेंशन ला लें, मोस्ट ऑफ द चीजें कवर करवाऊंगा, दैट्स माय प्रॉमिस, ओके, सब उसके लिए, लेकिन मैं जो चीज करता हूँ प्लीज आप उसको एकदम उसी दिन उसी टाइम आप उसको कंप्लीट कीजिए, उसी टाइम, मतलब ये नहीं कि कल आप कल कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़िए, ओके ओके थैंक यू, ओके सर थैंक यू, ओके हेलो सर, मेरा एक कंसर्न ये था सर कि जैसे मैं कह रहा था कि जैसे आज आपने कई सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जो मैंने नहीं पढ़े हुए हैं, तो सर अगर आप कोई रेफरेंस मटेरियल सजेस्ट कर देते पेपर के हर एक टॉपिक तो नहीं होगा, मतलब हर एक यूनिट के लिए, जैसे माइक्रो के लिए कोई एक बुक हो, मैक्रो के लिए कोई एक बुक हो, ऐसी सब के लिए जिसमें मैं बेसिक 30-40 पेजेस पढ़ के, अब जैसे मुझे क्रॉस